लाडली बहना योजना जिसमें सभी पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। 10 जून 2023 दिन शनिवार को शाम को 7 बजे ये पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो जो पैसा ट्रांसफर किया गया है वो मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहना जो इस योजना की पात्र थी उनकी जो संख्या है वो 1,25,00,000 है। तो इन सभी को पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन कुछ लाडली बहनाएं ऐसी हैं जिनको जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो उनके खाते में नहीं पहुंचा है। खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंचा है वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि जो पैसा आपके खाते में नहीं आया वो पैसा आपके खाते में कैसे आएगा, इसके लिए क्या करना होगा आपको, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। और जो मैं वीडियो में आपको जानकारी बता रहा हूँ वो शायद वीडियो खत्म होने के बाद वो सारी जानकारी आप क्लियर करें तो आपका पैसा शाम तक या कुछ ही दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अरे वो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गूगल पर आपको सर्च करना है डीबीटी भारत। डीबीटी भारत करेंगे इस तरह से कुछ पेज आपके सामने खुल जाएगा। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे पे आधार लिंक इन स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पॉपअप आएगा, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको सेम प्रोसेस करनी है। यहाँ पर देखिए कि आधार शेडिंग स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। इस वेबसाइट के थ्रू आप जान पाएंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो किस बैंक से लिंक है, आपकी जो डीबीटी है वो किस बैंक में इनेबल है, किस बैंक से आपको लिंक है, वो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपका आधार नंबर है, आधार नंबर 12 अंकों का यहाँ पर एंटर करना होगा। चलिए मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। और नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे आप कैप्चा कोड का, तो कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना। कैप्चा कोड यहाँ पर हम फिल करेंगे जो कैप्चा कोड यहाँ पर शो हो रहा है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे सेंड ओटीपी का। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में उस पर यहाँ से एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है। तो आपका मोबाइल में देखें जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आया होगा। ओटीपी हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट का। सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं दो जानकारी देखने मिलती है। सबसे पहले तो ये देखने को मिलती है कि आपका जो आधार का स्टेटस है यानी डीबीटी आपका सक्रिय है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक्टिव बता रहा है यानी आपका डीबीटी सक्रिय है। और दूसरा ऑप्शन आपको ये देखने को मिलेगा कि किस बैंक में आपका आधार लिंक है, आधार लिंकिंग का स्टेटस किस बैंक में है वो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किस डेट को लिंक हुआ है वो बता रहा है 17/3/2023। तो दो जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। अब एक जानकारी और हम जानेंगे, वो चलेंगे हम यहाँ पर समग्र पोर्टल पर। समग्र पोर्टल पर आने के बाद ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका 9 अंकों का समग्र आईडी एंटर करेंगे। देन यहाँ पर कैप्चा कोड हम फिल करते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज को इस तरह से आपके सामने आएगा। देखिए तो यहाँ पर बता रहा है आपका जो समग्र ई केवाईसी है वो ऑलरेडी डन है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर समग्र ई केवाईसी जरूर कर लें। समग्र ई केवाईसी है तो यहाँ पर फिर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एस वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपको कुछ नहीं करना है। एंड देखिए आपका डीबीटी सक्रिय है, आधार भी आपका लिंक है और बैंक सेटिंग भी आपकी एक्टिव है। अब तीसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर ये करना है कि आपको आ जाए लाडली बहना योजना के पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आपको आएंगे और यहाँ पर आपको सर्च करनी है जो अंतिम सूची है। अंतिम सूची में आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे कैप्चा कोड दिख रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। जो मैं जानकारी बता रहा हूँ अगर आप तीनों चीज़ कंफर्म कर लेते हैं तो 100% आपका पैसा आ जाएगा। जो प्रॉब्लम है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे क्या प्रॉब्लम यहाँ पर है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यहाँ से सेंड कर दिया गया है। तो आप ओटीपी देखें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे और हमें यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देता हूँ। और ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो समझ जाएगी कहाँ आपकी प्रॉब्लम हुई है। अभी देखिए हम नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरह से आ गए हैं। जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में जो भी आपका जिला लगता है सबसे पहले आप यहाँ पर अपना एरिया जो है जहाँ पर आप रहते हैं जहाँ की आपका समग्र आईडी बना है वो चीज़ यहाँ पर आप चेक करेंगे। चलिए मैं कोई भी एक जगह यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जहाँ से आप रहते हैं जहाँ का आपका समग्र आईडी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये तीसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप देखें अगर आपने कुछ यहाँ पर कंप्लीट नहीं है तो वो आप कंप्लीट करें, इसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। चलिए मैंने कोई भी यहाँ पर जिला सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम अंतिम सूची पर क्लिक करते हैं और ये देखिए अंतिम सूची हमारे सामने यहाँ पर शो हो गई है। दोस्तों ये फाइनल लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर शो हो गई है। ये जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है चाहे आपने बाढ़ चाहे आपका ग्राम पंचायत का जहाँ से आप बिलोंग करते हैं कोई सूची में आपका नाम देना है। अगर इस सूची में आपका नाम है तो, और जो मैंने आगे जो चीज़ें बताई हैं आधार लिंकिंग और समग्र स्टेटस, अगर ये तीनों चीज़ें आपकी ओके हैं तो 100% आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई चीज़ मिस्टेक है तो वो चीज़ आप कंप्लीट करें। इसके बाद नेक्स्ट किस्त तो आएगी अगले मंथ की, वो आपके अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है।
इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।